गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड. टूडे विल बी लर्न अबाउट क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर. आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है. जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया कि छोटे से बड़ा, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अपन कंटिन्यू सीरियल वाइज चल रहे थे, है ना. अब इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर. इसमें बड़े संख्या जो होगी, बड़ी संख्या जो होगा वो सबसे आगे आएगी और सबसे छोटी पीछे रहेगी. जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया कि सबसे छोटे को आगे और सबसे बड़ा पीछे. इसमें क्या करना है, उल्टा करना है कि बड़े आगे और छोटे संख्या पीछे. फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल में क्लास के में बच्चों को बैठाते हैं तो अपन हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे आगे बैठेंगे और बड़े बच्चे पीछे बैठेंगे. इसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें हम क्या करेंगे कि बड़े बच्चों को आगे बिठाएंगे और छोटे बच्चों को पीछे बैठाएंगे. हम बच्चों की जगह क्या लेंगे, नंबर. ठीक है, अब देखो पहला 5, 7, 2, 0, 1 ये है. ठीक है, अब इनको क्या करना है, अरेंज. क्या करना है, इनको अरेंज करना है. किसमें करना है, डिसेंडिंग में. डिसेंडिंग में करना है. अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, 7. तो हमने लिखा यहाँ 7. 7 से छोटा कौन है, सबसे बड़ा. फिर उससे छोटा, उससे छोटे में कौन है, 5. ये हमने लिख दिया 5. 5 के बाद में 2, ये हमने लिखा 2. फिर 1, फिर है 0. अब क्या करना है इसमें, इसमें 5, 7, 2, 0, 1 दे रखा है. अगर कोई बीच में कोई संख्या नंबर नहीं है तो वो नंबर हमें नहीं लिखना. 7 यहाँ है सबसे बड़ा, तो 7 के बाद में 6 आता है, लेकिन इसमें 6 नहीं है तो हमें नहीं लिखना. 6 के बाद कौन है, 5. तो हमने 5 लिख दिया. 5 के बाद में इसमें 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखना. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 है इसमें तो हमने 2 लिखा है. 2 से पहले 1 और 1 से पहले 0. 10, 11, 9, 8, 4 अब ये दे रखा है. अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11. तो हमने यहाँ लिख दिया 11. 11 के बाद में 10 है इसमें तो हमने यहाँ लिख दिया 10. 10 के बाद में 9 है इसमें तो हमने लिख दिया 9. अब 9 के बाद में 8 तो हमने यहाँ लिख दिया 8. अब कौन है, 4. तो 8 के बाद में देखो, 8 से पहले क्या आता है, 7 भी आता है, 6 भी आता है, 5 भी आता है ना. इसमें नहीं है तो हमें यहाँ नहीं लिखना. 8 के बाद में कौन सा नंबर आ गया, 4. तो हमने यहाँ लिख दिया 4. ये 4, ये क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर. इसी तरह 9, 8, 3, 15 and 12 ये दिया हमने. अब सबसे बड़ा कौन है इसमें, कौन बताएगा, यस 15. क्या है सबसे बड़ा इसमें, 15. ये हमने लिख दिया 15. 15 के बाद में कौन है, 12. कौन सा नंबर है, 12. अब 15 के बाद में इसमें 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, इसके अंदर नहीं है ना इस सवाल में, तो हमें नहीं लिखना. उसके बाद में बड़ा कौन सा है, 12 आ गया, ये हमने लिख दिया 12. 12 के बाद में 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, कौन है यहाँ पर, 9. तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, 9. 9 के बाद में 8. 8 के बाद में कौन है, लास्ट नंबर 3. ये हो गया 3. ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब मैंने यहाँ लिख दिया 21, 19, 17 और लिख दिया 20 और 22. वही बात आ गई फिर. अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 22. तो हमने सबसे पहले किसको लगाया या कौन से नंबर को लिखा, 22 को. 22 से छोटा कौन है, 22 से पहले कौन आता है, इसमें है कौन आता है, 21. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 21. अब 21 से पहले क्या आता है, 20. यहाँ है इसमें 20 है तो हमने यहाँ लिखा 20.
फिर 20 से पहले, 20 बिफोर 19, 19 है इसमें, है, तो हमने यहाँ लिख दिया 19. अब 19 से पहले 18 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे. फिर 18 से पहले 17 है इसमें, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 17. ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको करवाया डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आप बोले तो नहीं, मैं आपको इसके साथ इसी का उल्टा आपको असेंडिंग भी बताती हूँ. अब देखो हमने इसको बुलाया डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज कर दिया. अब इसको असेंडिंग में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे कि पहले 0, फिर 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 5, फिर हो गया 7. ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एक और करवाती हूं. अब मैंने यह लिखा 57, 36, 30, 29, 0. अब देखो, अब क्या लिखना, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद में 57 सबसे बड़ा है, ये हमने लिख दिया 57. 57 से छोटा 36, ये 36, फिर 30 है तो वापस 30, फिर 29 तो हमने वापस लिख दिया 29, फिर क्या बचा 0. तो ये क्या है, वापस वैसा का वैसा क्यों आया, क्योंकि ये सबसे बड़ा पहले आ गई है, उसके छोटा 36 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 29 आ गया, फिर 0 आ गया. हो गया असेंडिंग ऑर्डर वापस. अब है 32, 28, 21, 28 एंड हो गया 23. अब देखो, अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, 32, 28, 21, 28 दो बार आ गया. अब यहां क्या करना है, सबने ध्यान दिया, वेरी गुड, तो यहां लिख देते हैं 26. अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 32, तो हमने यहां क्या लिखा 32. अब कौन है 28, तो हमने यहां लगा दिया 28. अब 26, तो हमने यहां लिख दिया 26. अब कौन है 23, ये हो गया 23. अब सबसे लास्ट कौन, सबसे छोटा कौन है, 21, इस 21 को हमने सबसे पीछे लगा दिया, ये हो गया. ठीक है, ये आपको इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो को देख के, इस वीडियो में जो मैं आपको वर्क करवा रही हूँ ये भी आपको इस नोटबुक में नोट करना है. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसी के अंदर वीडियो के साथ में आपको HW दे रही हूँ, वो आपको वर्क HW इसी वीडियो से देख के करना है. आ गए सबको समझ में? अब मैं इसको इरेज करती हूँ. यहां लिख दो HW. ये आपका HW है. अब मैं यहां दे रही हूं आपको फर्स्ट सवाल, 21, 2, 19, 16 and 15. Twelve, 16, 9, 7, 4, 19, 21, 24, 31 or 13. Five, 3, 0, 11 and 19.
36, 23, 32, 17 and 28. ये मैंने आपको 5 सवाल HW में दिए और कुछ मैंने आपको वीडियो में भी करवाए हैं। दोनों सवाल आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है? आ गया सबको समझ में? और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक जरूर करना, लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।